नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और कोविड के 2 वर्षों के बाद एक बार फिर से तमाम तीज त्योहारों पर रौनक नजर आने लगी है। जन्माष्टमी पर्व पर जिंदल स्टेनलेस स्टील का ये प्लांट, जहां पर हमेशा ये आकर्षण रहता है कि लोग यहां पर जन्माष्टमी पर्व पर तमाम झांकियां देखना पसंद करते हैं, 2 वर्षों के बाद ये रौनक फिर से देखने को मिली है। एक टीम पूरी हमारे साथ मौजूद है जो यहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ासतौर से उनके जो बच्चे हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत मंच पर जो है कार्यक्रम पेश करते हुए नज़र आए। उनसे बातचीत करेंगे, कैसे तैयारी की है, किस तरीके से उन्होंने यहाँ प्रस्तुतिकरण दिया और कैसा लगा उन्हें। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा अम्बाराम पाटीदार जी, MP से बिलोंग करता हूँ। पिछले 21 साल से जिंदल में जॉब कर रहा हूँ और शुरू से ही हम यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लगातार भाग लेते रहे हैं। रामलीला, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा और भी जितने भी कार्यक्रम, भागवत कथा होती है यहाँ 7 दिन की, सारे कार्यक्रम में हम पूरे अच्छे से भाग लेते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करके कार्यक्रम को बहुत ही बढ़िया से करते हैं। बहुत सुंदर। आपका नाम? मेरा नाम योगेंद्र नाथ यादव, मैं यूपी से हूँ और अपने इस रामलीला में मैं कथावाचक का भी रोल करता हूँ। और ये जन्माष्टमी हमारी पूरी टीम है और ये हमारे कंपनी के सभी कर्मचारी हैं और उनके ये बच्चे हैं, तो कंपनी के द्वारा ही ये कार्यक्रम सारा आयोजित होता है और इसमें जितने भी पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी हम कर्मचारी हैं और हमारे ये सब बच्चे हैं, तो इन्हीं के द्वारा ही, कर्मचारियों के द्वारा ही ये सारा प्रोग्राम आयोजित किया जाता है। बिल्कुल खूबसूरती से ये कार्यक्रम पेश किया गया। और नहीं बताना पड़ेगा, हमने सुना डायरेक्टर हैं आप इस कार्यक्रम। हाँ जी। क्या आइटम थे, किस तरीके से क्या क्या चीजें मंचन यहाँ से हुआ है वो बताएं। क्या कह रहे हैं आप, क्या चीजें खास तौर से यहाँ प्रदर्शित की गईं, क्या दर्शाया गया? मतलब कान्हा जी का बचपन से लेके बड़े तक का, उनके अलग अलग स्टेजेस, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या रास रचाए, कैसे कैसे लीलाएं की, वो सब का वर्णन किया गया गाने के माध्यम से। इस कार्यक्रम के लिए तैयारियाँ कब से और कितने दिनों से चल रही? वैसे तो जब ये लोग फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे थे, अब तो ये लोग एक्सपीरियंस्ड हो गए। जब फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे थे तो 20 दिन का टाइम लगा था, अब तो ये लोग 10 दिन में तैयार हो जाते हैं। 2 वर्षों के बाद कोरोना था, है ना, तो अब एक लंबे इंतजार के बाद कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बच्चों में बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म था, बहुत एक्साइटेड थे कि 2 साल बाद फिर से हो रहा है, तो अच्छा था काफी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम देवान ठाकुर है जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम? हम लोग सारे अपने ग्रुप में हैं और जो भी कंपनी के सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसमें हम लोग पूरे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे रामलीला हो चाहे भागवत हो। ये मेरी बेटियां है। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों के सारे के सहयोग से ही। अच्छा। बहुत से लोग आपके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आए, है ना, क्या रोल प्ले कर रहे थे आप और कैसा लगा वो बताएं। मेरा नाम मक्खन बाबा है, मैंने 2018 में पहले की थी, 2017 में की थी, लेकिन बीच में कोरोना काल के चक्कर में हुआ नहीं ये सब। अभी सुदामा जी का फिर से पात्र करने का मौका मिला है, बहुत अच्छा लगा। सब लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है, एक कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में पता चलता है। और 3 गाने होते हैं, सुंदर प्रस्तुति की जाती है, कृष्ण सुदामा के विषय के बारे में पता चलता है, लोग जागरूक होते हैं, मित्रता कैसी मित्रता थी उनकी और अब हमें मित्रता को किस दिशा पर ले जा रहे हैं, यही सब। बहुत खूब। क्या नाम है बेटा? श्रुति। हाँ, श्रुति आपने क्या किया और ये अनुभव, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा है। हाँ। शोधा का रोल किया है। थैंक यू। बस नवीन। नवीन जी, आप कृष्ण नजर आ रहे हैं। हाँ जी, मैं कृष्ण बना हूँ। अंकल साहब जिन्हें बुलाते हैं, मुझे मौका देते हैं इस रोल प्ले करने का, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अच्छा अपना कर पाऊँ। कोमल। हाँ, क्या कहूँ, मेरा राधा करो। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा इस जन्माष्टमी। लेकिन मेरा नाम रागनी है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये कृष्णा का रोल करके और बहुत खुशी हुई डांस करके। मेरा नाम आंचल है और मैं गोपी बनी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें, मतलब आज जन्माष्टमी में भाग लेके और हमने बहुत अच्छा डांस भी किया। मेरा नाम परिया और मैं भी गोपी बन रही हूँ। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जन्माष्टमी में भाग लेके, जो हमें इतना अच्छा अवसर मिला कृष्ण जी के जन्माष्टमी पे डांस करने का।
मेरा नाम रिया है, मैं भी गोपी बनी हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लगा गोपी बन के और इन सब के साथ शो में शामिल हो। मेरा नाम तनिषा है। आज हम सभी यहाँ पे जन्माष्टमी के पर्व को मनाने के लिए आए थे, तो आज हम सभी ने नृत्य किया, हमें करके बहुत अच्छा लगा। सावित्री जिंदल खुद यहाँ पे आई, ये जान के भी हमें बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे नृत्य को देखने के लिए आई, तो धन्यवाद। आप रह गए हैं, आप थोड़ा सा बताएं। जी मेरा नाम अवधेश कुमार राणा है, मैं मथुरा का निवासी हूँ। मुझे पिछले एक साल से मैं यहाँ जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बार जो मथुरा से दूर होने की कमी है वो बिल्कुल महसूस नहीं हुई। यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, सच बताऊँ तो मैं बहुत बहुत ही प्रफुल्लित हो गया मेरा मन। देखिए आप वहाँ से हैं, आप उस जमीन से हैं, उस भूमि से हैं, वहाँ भी इसी तरह का माहौल रहता होगा, किस तरह का दृश्य आज होता है वो तमाम दर्शकों को बताएं। वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा होता है यहाँ से, और मतलब चारों तरफ मतलब खुशहाली होती है और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी देख के बहुत अच्छा लगा कि भीड़ की कमी नहीं थी और लोगों में जो उत्साह था ना उसके प्रोग्राम के प्रति, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, और मैं बहुत आभारी हूँ इन सब का, जो मुझे मथुरा से दूर होने की कमी मेरे अंदर जो थी वो मुझे महसूस नहीं होने दी इन लोगों ने। बहुत सुंदर, तो ये बड़ा ही खूबसूरत मंचन, खासतौर से भगवान कृष्ण की तमाम लीलाओं का प्रदर्शन यहाँ से किया गया। और जिंदल स्टेनलेस स्टील की बात की जाए तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ को एक तरह का माहौल ऐसा मिलता है कि ना केवल वह स्वच्छंद माहौल में काम करते हैं, बल्कि जब भी तीज त्यौहार होते हैं उन्हें भी बहुत खूबसूरती के साथ दर्शाया जाता है, तमाम जन जन को जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।